लेट अस सी द फॉरेन क्वेश्चन ऑफ गेम्स एंड रेसेस. देखते हैं इसमें क्या नया सीखने को है. लेट्स सी. मेनली रेशियोज को ही ठीक से डील करना है और कुछ नयापन नहीं होना चाहिए. देखते हैं. इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी. ठीक है, ए जो है वो बी को 20 पॉइंट दे सकता है. क्या मतलब है इसका कि ए अगर पूरा एक्स पॉइंट का रनिंग करता है या एक्स पॉइंट स्कोर करता है तो बी को उससे 20 पॉइंट कम स्कोर करने की ज़रूरत है, तो वो उससे इक्वेट हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी. है ना, ये हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ रखा है. ओके, आगे क्या कह रहे हैं. इन 60 ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60, यानी कि ये 60 पॉइंट्स का है. ओके, मतलब एक्स की वैल्यू हमें पता है, बहुत ही बढ़िया. ये तो 60 हो गया और ये 40 हो गया, बहुत ही अच्छी बात है. है ना, इन 60 पॉइंट्स एंड 18 पॉइंट्स टू सी इन 90 पॉइंट्स. बहुत ही बढ़िया. किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है. ए जब सी के साथ होता है और ए अगर 90 स्कोर करता है तो उसमें सी कितना स्कोर करता है, उससे 18 कम. है ना, 18 पॉइंट्स वो पहले से दे देता है. तो ठीक है भाई, ये रहा, तो 18 पॉइंट्स का स्टार्ट दे दिया तो 18 कम स्कोर करेगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा. तो ए अपॉन बी और ए अपॉन सी की रेशियो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने दे रखी है. अब इन्होंने बोला हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव टू बी इन अ गेम ऑफ 120. वंडरफुल. यानी हमें क्या करना है, हमें ए अपॉन बी और सी की रेशियो बतानी है. ठीक है, कॉमन क्या है बेटा, कॉमन हमारे पास ये है, सिंपल रेशियो निकाल लो. क्या मैं इसको 3:2 कह लो, ठीक है, और इसको क्या कह लें भाई, 9/10 से नहीं जाएगा, चलो 9 से कर लो. 9 से गया तो 10 और ये 8, यानी कि 5/4 कह लेते हैं. ठीक है, 5/4 कह लेते हैं. चेक कर लेना एक बार आप, राइट, इट्स कमिंग आउट टू बी 5/4. सो ए मेरे पास 3 है और ए मेरे पास 5 है, कॉमन इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा और यहाँ नीचे 3 से करना पड़ेगा. अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए, कौन से दो लोग चाहिए, अपने को चाहिए बी और सी. तो मैं बी और सी की रेशियो पे ध्यान दूंगा. ए 15 है, बी उस समय 10 है, और जब ए 15 है उस समय सी कितना है, सी हमारे पास 12 है. वंडरफुल. अब रेस जो जीतता है वही देखते हैं, है ना, रेस कौन जीतेगा, सी जीतेगा. कितने पॉइंट्स उसको बनाने पड़ेंगे, 120. तो जब ये 120 है तो डायरेक्टली, हालांकि पता लग रहा है कि अगर ये 120 है तो ये 100 होगा ना यार, 10 से ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कर तो काम खत्म. तो पूछा गया कितने पॉइंट्स से जीता, तो साफ साफ दिखता है कितने पॉइंट्स ये इसको दे सकता है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन आई गिव इट टू बी, राइट. बी सी कितने पॉइंट्स दे सकता है, बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है इन ऑर्डर टू फिनिश द रेस इन अ डेड हीट. ओके, सो द आंसर मस्ट बी 20 पॉइंट्स. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी. ओके, ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी. कितने पॉइंट का गेम है इस बार ही नहीं पता हमें, है ना, कोई बात नहीं, नहीं पता तो फिर हम उसमें एक्स ले लेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ए और बी, ए कैन गिव यानी ए तो पूरा ही पॉइंट स्कोर करेगा और बी को कितना स्कोर करना पड़ेगा, 15 पॉइंट कम, यानी कि एक्स माइनस 15. देन ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी. ओके, ए और सी की बस जब बारी आई तो ए अगर एक्स है तो सी कितना है बच्चों, एक्स माइनस 30 है, राइट. ऑल राइट, बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी. बहुत बढ़िया, बी और सी के रेशियो के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है. बी कैन गिव यानी बी विल स्कोर द एंटायर पॉइंट और सी को 20 पॉइंट्स कम स्कोर करने पड़ेंगे, यानी कि एक्स माइनस 20. ये अपने पास तीन रेशियोज हैं. इन्होंने बोला हाउ मेनी पॉइंट्स द गेम हैज, यानी हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ऑल राइट, क्या किया जाए. देखो भाई, एक्स यहाँ पे ए है और एक्स यहाँ पे ए है. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दूं, तो मैं 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से बी अपॉन सी की रेशियो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज ए ऑलरेडी सेम दे रखा है, दोनों जगह पे एक्स है. तो बी हमारे पास उस टाइप पे एक्स माइनस 15 है और सी उस समय हमारे पास एक्स माइनस 30 है, और यही वाली रेशियो क्यों ना मैं उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रख दूं, बिकॉज ये भी बी अपॉन सी है. तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ किससे बच्चों, एक्स अपॉन एक्स माइनस 20 से, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है. अगर हमने कंसेप्चुअली चीज़ों को सही किया है, जो कि हमने सही किया है,
और कोई कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक ना करें तो हमारा आंसर सही आना चाहिए। लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर माइनस 35x और 15 टाइम्स 20 विल बी 300। ओके, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज गॉन। 35 यहाँ पे तुम्हारे पास 35x माइनस है और यहाँ माइनस 30x है। टेक इट टू द अदर साइड, प्लस 35x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x बचेगा और इधर कितना रह गया बेटा, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यू हैव 300/5। व्हेन यू डिवाइड इट कितने से चला जाएगा, ये 60 चला जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 60 यूनिट्स, राइट, 60 पॉइंट्स। इन्होंने पॉइंट्स वर्ड यूज किया है तो मैं पॉइंट्स ही बोलना चाहूंगा। 15 का आंसर 60 होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाती है। एंड आई